वेल, आइए एक बार फिर स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने आपके साथ डिस्कशन किया था एलिमेंट्री ऑपरेशंस, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके साथ रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उस रैंक ऑफ मैट्रिक्स में आगे बढ़ने से पहले या उसे स्टार्ट करने से पहले बात कर रहे हैं माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स की, कि किसी मैट्रिक्स का माइनर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए आइए पहले एक मैट्रिक्स को हम कंसीडर करते हैं। ये है जी मेरे सामने मैट्रिक्स, जिसका अगर आप साइज देखें तो इसमें आपके पास 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं। अब इस 3 रोज 4 कॉलम्स में से अगर मैं माइनर निकालना चाहूं तो सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि माइनर इज ऑलवेज इन द स्क्वायर फॉर्म। माइनर हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होगा। तो यहां आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स का साइज क्या है, 3x4। तो इस मैट्रिक्स में से जो माइनर मेरे पास निकल सकते हैं वो 3x3 के निकल सकते हैं, बड़े से बड़े। 4x4 नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 रोज है ही नहीं मेरे पास। 4 कॉलम्स तो हैं लेकिन 4 रोज नहीं है, तो माइनर तो स्क्वायर की फॉर्म में मैंने बताया जी आपको। तो इसलिए इसमें से 3x3 साइज के माइनर्स आप निकाल सकते हैं। अब बात आई कैसे निकाल सकते हैं, भी किसी भी एक रो को छोड़ दीजिए। तो आपके पास मान लीजिए 1 4 7 2 5 8 3 6 9, मैंने लास्ट वाली रो को छोड़ दिया, और इस तरह से डिटरमिनेंट की फॉर्म में होते हैं माइनस मेरे पास। अब मान लीजिए मैंने लास्ट रो को छोड़ा तो ये माइनर मिल गया। अब मैं चाहता हूँ जो बीच वाली रो छोड़ दूँ तो ये 3 फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम बच जाएंगे। इसे छोड़ दूंगा तो 1st 3rd और 4th रह जाएंगे, 1st को छोड़ दूंगा तो 2nd 3rd और 4th रह जाएंगे। तो इस तरीके के डिफरेंट माइनर्स मेरे पास 3x3 साइज के मिल जाएंगे। एक बात समझ में आ गई। इसके अलावा इसमें से मैं 2x2 साइज के माइनर्स भी निकाल सकता हूँ। 2x2 साइज के माइनर मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहां देखिए आप, मुझे 2 तो रो लेनी है और 2 ही कॉलम लेने, तो उसके लिए मेरे पास कितनी रो है, 3 रो है। तो 3 में से 1 रो को अगर मैं छोड़ दूं तो 2 रो बच जाएंगी, और 4 कॉलम्स में से 2 कॉलम्स को अगर मैं छोड़ दूं तो मेरे पास 2 कॉलम्स बच जाएंगे, यानी 2x2 साइज के माइनर बच जाएंगे। कैसे भाई, मान लीजिए आपको एक माइनर जो कि 6 5 9 7 आपके पास आया, ये माइनर मुझे लेना है जी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये 1st वाली रो छोड़ दी और ये 1st और 2nd कॉलम छोड़ दी। इनको छोड़ने के बाद मेरे पास ये माइनर बच गया जी, ठीक है। तो इसी तरीके के बहुत सारे माइनर्स मैं इनमें से निकाल पाऊंगा जो कि 2x2 साइज के होंगे जी, बाय डिलीटिंग 1 रो एंड 2 कॉलम्स। तो 2x2 साइज के माइनर मेरे पास निकल जाएंगे। अब अगर मैं इससे 1x1 साइज के माइनर निकालने की कोशिश करूं तो मुझे 3 रोज में से 2 रोज को छोड़ना पड़ेगा और 4 कॉलम्स में से 3 कॉलम्स को छोड़ना पड़ेगा, तो मेरे पास 1x1 साइज के माइनर निकल जाएंगे, बस उससे छोटे तो नहीं बन पाएंगे। तो बड़े से बड़ा माइनर इसमें 3x3 का, 2x2 फिर, और देन 1x1, ये सारे के सारे पॉसिबल माइनर्स हो गए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी तरह का माइनर मुझे ऑब्टेन हो जाता है तो उसको मैं सॉल्व कैसे करता हूं, जस्ट लाइक डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट है ये,
तो कितना आ गया 42 और 45 माइनस 3। बिल्कुल क्लियर है जी माइनर निकालना। तो माइनर निकालना जब मुझे समझ में आ गया तो उसके बाद अब मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स सीखने में के लिए कैपेबल हूं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को समझ सकता हूं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से, क्या डेफिनेशन हम इसकी देते हैं, आइए देखते हैं जी उसको। राइट, लेट ए बी एन इंटू एन मैट्रिक्स, ए डिटर्मिनेंट ऑफ एनी पी इंटू पी सब मैट्रिक्स ऑफ ए is obtained by deleting m minus p rows and n minus p columns of A is called the p-rowed minor. यहाँ आपने देखा 2 3 minus 1 2 4 minus 2, 3 rows थे 4 columns थे, उसमें से एक row छोड़ा 2 column छोड़े, हमारे पास 2 into 2 size का क्या आ गया minor। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर 2 into 2 size का minor लिखा, जिसे हमने लिख सकते हैं 2 rows minor, उसी तरह से यहां पर क्या लिख रहे हैं पी इंटू पी साइज का माइनर, दैट इज पी रोड माइनर। तो पी रोड माइनर मीन विच इज ऑफ द साइज पी इंटू पी, पी इंटू पी साइज का माइनर, जिसे पी रोड माइनर भी हम लोग रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। वेल, बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के। ए नंबर पी इज सेड टू बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स जिसका नाम, चलिए जी हम ए दे देते हैं, उसका रैंक पी अगर हम देते हैं, तो पी अगर हम रैंक उसका दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो मैट्रिक्स ए है उसमें पी इंटू पी साइज का कम से कम एक माइनर नॉन जीरो होना चाहिए। ए पोजेसेस At least one P rowed minor which is non-zero. पहले इसका मीनिंग समझते हैं जी, फिर पीछे लास्ट पेज पिछले पेज पर चलते हैं। आपने देखा यहां पर आपके पास जो माइनर्स पॉसिबल थे, उन पॉसिबल माइनर्स में सबसे बड़े साइज का माइनर मेरे पास 3x3 साइज का था, और 3x3 साइज के माइनर्स आपने देखे थे, एक एक रो को छोड़ते जा रहे थे हम, हमारे पास 1 2 3 और 4 पॉसिबिलिटीज थी। तो इन 4 पॉसिबिलिटीज में से अगर कोई भी एक माइनर, जिसको अगर मैं सॉल्व करूं और मेरा आंसर उसका नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो भी ये साइज है मेरे पास, जो कि 3 था यहां पर, तो माइनर रैंक जो मेरे पास हो गया वो इसका 3 हो गया, क्योंकि मुझे 3x3 साइज का एक माइनर कम से कम जरूर मिल गया जो नॉन जीरो है जी। ठीक है, तो वही बात वहां पर भी हम लोग कर रहे हैं कि अगर हम पी रैंक बोल रहे हैं किसी मैट्रिक्स का, तो कम से कम एक पी इंटू पी साइज का माइनर मुझे नॉन जीरो मिलना चाहिए जी। एक बात। दूसरी बात कि इस पी इंटू पी साइज के माइनर तो नॉन जीरो कम से कम एक मिलना चाहिए, लेकिन इससे हायर साइज के जो माइनर हैं वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। यानी ए नाम की मैट्रिक्स डज नॉट possesses any non-zero minor of
पी प्लस वन रोड, यानी पी साइज का कम से कम एक माइनर नॉन जीरो मिलना चाहिए और इससे हायर लेवल का जो माइनर्स है वो जीरो आने चाहिए, कोई भी नॉन जीरो वहां पर नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये तो मेरे पास इसका डेफिनेशन हो गया जी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग माइनर्स को देख करके। लेकिन कुछ और भी एक्सप्लेन मैं आपके साथ यहां करता हूं कि रैंक का एक्चुअल में अगर आप मीनिंग थोड़ा सा और लेकर के चलें तो आप यहां समझ सकते हैं रैंक को एक और तरह से भी डिफाइन कर देते हैं हम, और वो हम बोलते रहते हैं नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। अब एक तो होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट रोज कितनी मेरे पास प्रेजेंट हैं जिनको किसी दूसरे की टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। डिपेंडेंट का मतलब होता है विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द अदर, लेकिन अगर किसी को किसी की टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। एक दूसरी तरह से भी और लिख सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ठीक है, आगे हम जब प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करेंगे तो वहां ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे आपको कि किस तरीके से लीनियरली इंडिपेंडेंट या नॉन जीरो रोज हमारे पास हैं। क्योंकि ये जो ऊपर वाली जो डेफिनेशन हमारे पास है, ये डेफिनेशन कुछ छोटी मैट्रिसेस के लिए तो ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए, लेकिन जब मैट्रिक्स का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो हमें वहां पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी लगाने पड़ेंगे और उनको जीरोज भी बनाना पड़ेगा डिफरेंट रोज को, और वो डिफरेंट रोज जब हम नॉन जीरो बनाएंगे या नॉन जीरो हमें बच जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंग भी हम रैंक को डिक्लेयर कर पाएंगे। इज इट फाइन? करेक्ट। आइए प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, आइए इन दोनों एग्जांपल्स को देख करके मैं चलता हूं। फर्स्ट वाले एग्जांपल में अगर आप देखें तो फर्स्ट वाले एग्जांपल में आपके पास 49-31027। अब इसमें अगर आप डिफरेंट माइनस निकालने की कोशिश करेंगे, साइज अगर मैं इसका देखूं तो टू रोज एंड फोर कॉलम्स, तो मेरे पास माइनर बड़े से बड़ा 2x2 साइज का निकल सकता है। मान लीजिए मैंने एक ये निकाल ली, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो 4 और 27 31 नॉन जीरो मिल गया। तो एक 2x2 साइज का माइनर मुझे नॉन जीरो मिल गया, 3x3 साइज के माइनर इसमें बन नहीं सकते, इसलिए मैंने बोल दिया कि रैंक इज आर से भी डिनोट कर देते हैं, दैट इज 2। तो इस केस में रैंक मेरे पास 2 हो गया, और माइनर मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं, जितने भी बनते हो सारे जीरो आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल एक माइनर कम से कम मुझे जरूर मिलना चाहिए जो जीरो नहीं है। मिल गया। आइए दूसरी मैट्रिक्स की बात करता हूं। दूसरी मैट्रिक्स को जरा बड़े ध्यान से देखें तो आपके पास 1 2 3 4 2 4 6 है, नीचे वाली लाइन ऊपर वाली के डबल के बराबर है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे वाली लाइन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट लाइन। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो रोज मेरे पास हैं दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो केवल एक ही लाइन हुई ना इसमें, इसलिए हमने इसका रैंक 1 कहा। या अगर ये जो डेफिनेशन मैट्रिक्स ए के साथ मैंने लगाई वो लगाने की मैं कोशिश करूं और मैं 1 2 2 और 4 कैलकुलेट करूं तो मेरे पास 0 आएगा। ऐसे ऐसे कोई भी माइनर मैं निकालने की कोशिश करूं 1 2 4 8 की करूं तो 8-8 0 आएगा। तो इस तरह से आप जितने भी माइनर इससे जो कि 2x2 साइज के पॉसिबल हैं उनका रैंक, उनके माइनर निकालने की कोशिश करेंगे, आपके पास हर एक केस में 0 आएगा।
तो इसलिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इसका जो रैंक है वो 1 है, क्योंकि केवल एक ही इंडिपेंडेंट रो मेरे पास है, दूसरी वाली रो तो पहले वाली रो से बन जाएगी जी। कैसे बन जाएगी? आपने कहा रो नंबर सेकंड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रो नंबर फर्स्ट, इसका मतलब सेकंड रो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट रो। केवल एक ही इंडिपेंडेंट रो है, इसलिए आप क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, रैंक इज 1। परफेक्ट। आइए और एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं। ये देखिए जी, फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास, इसमें भी आपसे बोला गया रैंक बताइए, 3 रोज 4 कॉलम्स, इसमें हमको 3x3 साइज के माइनर मिल सकते हैं, 2x2 के मिल सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि मुश्किल काम है, डिफिकल्ट है कि 3x3 साइज के माइनर सारे निकाल करके कैसे चेक करूंगा मैं। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे याद आया वो जो एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लास्ट टाइम डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देखिए कि किस तरह से हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, और एक बात और भी मुझको याद रखनी है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस जब हम अप्लाई कर देते हैं तो उससे रैंक पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, रैंक चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब उस एलिमेंट्री ऑपरेशन में ई रो ऑपरेशन आप लगाते हैं यहां पर, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला टारगेट आपका यह हो कि किसी तरीके से ऊपर 1 बन जाए। ठीक है, 1 ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है जी। फिर इस 1 का यूज करके मैं इसको ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ये जो 2 और ये 1 है इनको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, रो नंबर सेकंड में चेंज किया, रो नंबर सेकंड माइनस 2 टाइम्स रो नंबर फर्स्ट, ऐसे ही रो नंबर थर्ड में चेंज किया, रो नंबर थर्ड माइनस रो नंबर फर्स्ट, ये काम मैंने किया। ठीक, आइए देखते हैं कि मुझे अब क्या मिलता है उस ऑपरेशन के बाद। तो फर्स्ट रो में तो आपने कुछ नहीं चेंज किया, तो फर्स्ट रो को तो 1, 2, 3, 2 एज इट इज रहने दीजिए, इसको -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें ऐड कीजिए 0, -2 से मल्टीप्लाई कीजिए -4, इसमें ऐड कीजिए -1, -2 से मल्टीप्लाई कीजिए -6, 5 में ऐड कीजिए -1, -2 से मल्टीप्लाई कीजिए -3 रह जाए, करेक्ट। अब माइनस इससे इसे ऐड माइनस कर दिए, दिस माइनस दिस कितना आ गया 0, 3 - 2 - 1, 4 - 3 - 1, 5 - 2 - 3, करेक्ट। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं सेकंड और थर्ड रो को भी प्लस कर दूं, यानी रो नंबर थर्ड कन्वर्टेड टू रो नंबर थर्ड में ऐड कर दूं रो नंबर सेकंड, तो व्हाट वी गेट, 1, 2, 3, 2, फर्स्ट वाली रो को कुछ नहीं कहा मैंने, सेकंड में भी कोई ऑपरेशन नहीं लगाया और थर्ड और सेकंड को ऐड कर लिया 0, 0, 0 और 0, करेक्ट। इस तरह से मैंने क्या किया, थर्ड रो को 0 पर। अब अगर आप देखें तो पहले की कंपेयर में जो फर्स्ट मेरे पास मैट्रिक्स स्टार्टिंग में गिवन थी उसके कंपेयर में ये ज्यादा बेटर बन गया आफ्टर अप्लाइंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। कितनी रो 0 बन गई, आपने देखा लास्ट वाली रो तो बिल्कुल 0 बन गई। क्या बीच वाली रो को भी आप 0 बना सकते हैं आप किसी तरह से, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं बना सकते। तो कितनी रोज रह गई नॉन 0, आपने कहा 2 रोज रह गई नॉन 0, आप डिक्लेयर कर दीजिए रैंक इज 2, रैंक इज 2, क्या देख करके, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देख करके आपने डिक्लेयर किया द रैंक इज 2। दूसरी तरह से भी वो जो माइनर वाली डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग भी अगर मैं देखूं यहां पर, तो ये देखिए 2x2 साइज का मुझे माइनर मिल सकता है, यहां से देख सकते हैं या बीच में से देख सकते हैं, उसे सॉल्व मैं करूंगा तो मेरे पास आंसर 0 नहीं आने वाला, 1, 2, 0, -1,
विच गिव्स मी माइनस वन, नॉन जीरो। तो इस तरह से मैंने ये देखा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद मेरी मैट्रिक्स जो है वो कुछ आसान हो जाती है और मुझे ये देख पाना आसान हो जाता है कि किस तरह से मैं उसका रैंक डिक्लेयर करूँ। माइनर वाली डेफिनेशन लगा लो या नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज वाली डेफिनेशन लगा लो, आप आसानी के साथ रैंक डिक्लेयर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आइए स्विच टू द सेकेंड मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स मुझे गिवन है उसको भी देखते हैं। उसमें आप देख रहे हैं 4x4 साइज का माइनर है। अब 4x4 साइज का माइनर है तो पक्की बात है आपके पास रैंक 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। चेक करना तो बड़ा मुश्किल काम है। 4x4 साइज का डिटरमिनेंट पहले निकालो, चेक करो कि क्या नॉन जीरो है या नहीं है। तो इस परेशानी से, इस कैलकुलेशन के ढेर से बचने के लिए मुझे क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके पहले इस मैट्रिक्स को आसान बनाना है। कैसे बनाऊं जी? आप देख रहे हैं सबसे टॉप पर मेरे पास माइनस वन है, बहुत अच्छी चीज़ बनी हुई है, माइनस वन है। उससे टू को जीरो भी कर सकता हूँ, फाइव थ्री को भी कर सकता हूँ, फाइव को भी कर सकता हूँ। आइए पहले इनको जीरो करते हैं। आपने कहा रो नंबर सेकंड को मैंने कन्वर्ट किया, रो नंबर सेकंड के अंदर मैंने ऐड कर दिया टू टाइम्स रो नंबर फर्स्ट, रो थर्ड को कन्वर्ट किया, रो थर्ड के अंदर ऐड कर दिया मैंने थ्री टाइम्स रो नंबर फर्स्ट, एंड रो फोर्थ में कन्वर्जन किया, रो फोर्थ में मैंने ऐड कर दिया फाइव टाइम्स रो नंबर फर्स्ट, करेक्ट। अब जब मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई कर लिए तो आइए देखिए, अब मेरे पास फर्स्ट रो को तो एज इट इज लिखना है क्योंकि उस पर मैंने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया जी। सेकेंड रो में मैंने क्या किया, इसको टू से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, जीरो हो जाएगा जी, माइनस वन रह जाएगा ये, इट विल बी सेवन, इट इज माइनस टू, राइट। देन जीरो माइनस टू हेयर, फोर्टीन एंड माइनस फोर। नेक्स्ट को देखें तो जीरो माइनस टू, फोर्टीन और माइनस फोर। अब देखें जी लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें मैंने देखा था लास्ट वाली मैट्रिक्स में जाकर के कि हम सेकेंड वाली जो रो मेरे पास था उसको हम जीरो अब नहीं बना पा रहे, लेकिन अब हमें दिखाई दे रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। बड़े ध्यान से देखें आप कि ये जो सेकेंड वाली रो है इसका यूज करके मैं इन दोनों को जीरो बना पाऊंगा। टू से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कर दीजिए इसमें, टू से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कर दीजिए, टू से मल्टीप्लाई कीजिए, बल्कि माइनस टू से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, रो नंबर थर्ड में कन्वर्जन कर सकते हैं, रो नंबर थर्ड माइनस टू टाइम्स रो नंबर सेकंड। बिल्कुल सेम थिंग आप रो नंबर फोर्थ में भी कर सकते हैं, रो नंबर फोर्थ प्लस माइनस टू टाइम्स रो नंबर सेकंड। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास नीचे वाली जो दो रोज हैं they can be obtained from the combination of the second row. Second row के combination से third भी बन जाएगी, second row के combination से fourth भी बन जाएगी। इसका मतलब केवल ऊपर वाली दो रो ही हैं जो linearly independent हैं और उनको ही हम या उसी के according ही हम rank कितना declare कर सकते हैं, two कर सकते हैं। लेकिन अभी फिर लिखता हूँ मैं अभी फिलहाल, this is minus one, two, three, माइनस टू, जीरो माइनस वन, सेवन माइनस टू, एंड देन जीरो 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 जीरो। तो मेरे पास दो रोज बिल्कुल जीरो बन गई। क्या आप सेकंड रो को जीरो बना सकते हैं फर्स्ट का यूज करके? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, कितनी भी कोशिश कर लें आप। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मेरे पास रहेंगे टू, या माइनर वाली डेफिनेशन लगाएं तो 2x2 साइज का माइनर मेरे पास आ जाएगा जो कि नॉन जीरो बनेगा जी, 3x3 साइज का माइनर किसी हाल में नहीं बनेगा जी, करेक्ट। तो मैंने डिक्लेयर किया द रैंक इज इक्वल्स टू 2, यही मेरा आंसर, ठीक है। धीरे धीरे मुझे रैंक फाइंड आउट करना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अभी हम इतना ही रहने देंगे, तो इस रैंक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, कुछ डेफिनेशंस और डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।